पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का सने आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है, आप पत्रकार मेरे और उनके बीच में झगड़ा ना करवाएं। उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आशीर्वाद से ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। फैसला दिया था प्रमुख ने, क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो उनका फैसला अलग लड़ने का कितना असर, अगर आप भाजपा देखिए, वैसे उन्होंने सोचा होगा कि वो क्या किस क्यों ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन आज समाज ये देख रहा है कि जो मिल गई लड़ाई लड़ी जाए तभी भाजपा को रोका जा सके। तो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने, क्या लग रहा है इन परिस्थितियों में, एक आकलन? अब मैं आकलन पिछले 5 दिनों से कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं आकलन कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जमीन क्या सोच रही है, ठीक है। बाकी अगर आप उनका मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं तो ऐसा मत कराओ भाई, परिवार में झगड़ा ना कराओ तो बहुत अच्छे। वो तो आपसे दूर जा रही हैं, आप करें परिवार रहा, उनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा, आज हम जो कुछ है यहाँ उनकी वजह से है, उन्होंने हमें जो सिखाया उसी उनसे सीख सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना आसान है और इसका प्रैक्टिकली जब जमीन पर आप देखोगे तो बहुत होगा, तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा और मैं तो कुदरत से प्रार्थना करूंगा दीर्घायु और उनका आशीर्वाद इसे भी मिलता है। चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ कहा आपने सुन लिया, उन्होंने साफ कर दिया कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने जो कुछ भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है।